and write to, read and write to. Nirmiti, Center for Learning Resources, Pune. We learn English. आओ अंग्रेजी सीखें पाठ 46। नमस्कार, मैं सुनीता दीदी। आपको याद है ना, आशा और दीनू को लेकर मैं अपने चाचा जी के गांव चांदीपुर जा रही हूँ। हमारी बस एक छोटे से होटल के पास आकर रुकी है। आइए देखें आशा और दीनू क्या मजे कर रहे हैं। दीनू, क्या भूख भूख की रट लगाई है, जरा आसपास तो देख, सब कुछ कितना सुंदर है, हरियाली, पेड़, पंछी, एंड लुक एट दिस होटल। लेकिन खाने का वक्त हो चुका है ना, लंच टाइम, आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके, वी विल हैव सम पूरी सब्जी। अपने साथ जो लाए है वो पूरी सब्जी? हाँ। नहीं नहीं, उन्होंने बस होटल के पास किस लिए खड़ी की है? We can drink water in this hotel. नहीं नहीं, पानी नहीं। फिर क्या चाहिए तुझे? सुनीता मौसी, तुझे क्या चाहिए, ये कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? What do you want? दीनू, what do you want? I want होटल की चीजें, चलेगा? Say, I want to eat in this hotel. Yes, let's eat in this hotel. क्या मिलेगा? What is this? Look at that blackboard. शाम पट पर क्या लिखा है, पढ़ो। समोसा, भजिया, दही बड़ा। दीनू, what do you want to eat? मतलब मुझे क्या खाना है, यही ना। लेकिन एक बात बताइए, सब हिंदी के नाम है, समोसा, भजिया, मगर हिंदी के नाम अंग्रेजी में लिखे हैं, ऐसा क्यों? बहुत से खाद्य पदार्थों के नाम अंग्रेजी में भी वही होते हैं जो हिंदी में होते हैं, इसलिए। आई लाइक भजिया। आई ऑल्सो लाइक भजिया, बट आई वॉन्ट समोसा। I don't like samosa. Sunita Mausi, what do you want? I want dahi bada. Dinu, what do you want? Bhajia or samosa? I want samosa. Okay. अरे कोई है क्या? हाँ बोलिए बहन जी, क्या खाइएगा? एक प्लेट भजिया, एक प्लेट दही बड़ा और एक समोसा। देखें और क्या मिलता है यहाँ, टी, कॉफी, लस्सी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स। डू यू वॉन्ट टी सुनीता मौसी? नो थैंक यू। सुनीता मौसी, डू यू लाइक टी? यस, आई लाइक टी, बट आई डोंट वॉन्ट टी नाउ, मतलब मुझे चाय पसंद है पर अभी नहीं चाहिए। डू यू वॉन्ट कॉफी? नो थैंक यू। अरे डिब्बे से पूरी सब्जी तो निकालो। वाह आशा और दीनू, तुम दोनों ने पूरी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनाई है। थैंक यू सुनीता मौसी। वो भूल क्या इशारे कर रहा है? व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू पूरी प्लीज। पहले खाना खत्म कर फिर बोल। ओके बच्चों, फिनिश योर फूड। हाँ बस छूटने वाली है, चांदीपुर में चाचा जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सुनीता मौसी, हाउ ओल्ड इज योर अंकल? ही इज 65 इयर्स ओल्ड। चाचा जी 65 साल के हैं। कैन ही प्ले क्रिकेट विथ मी? ऑफ कोर्स ही कैन, ही इज वेरी फिट। ओह ग्रेट, देन I will play cricket with Dadaji. Yes, he likes to play cricket. Sunita Mausi, how old is your aunt? Chachi ji 60 saal ki hain. She is 60. She likes to swim. Swim? Unhe tairna aata hai? Haan, aksar samandar mein tairti hain. Acha chalo,
बहुत गप मार ली, अब खाना खत्म करो। आशा देख, उधर मदारी आया है। आई कैन सी अ मंकी, कम ऑन मदारी, चल चल हमारा खाना हो गया। आई वॉन्ट टू सी मदारी का तमाशा। बंदर के तमाशे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मंकी शो। आई वॉन्ट टू सी द मंकी शो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी इट। चल रे जारू, खेल दिखा, कूद मार के ससुराल जा। लुक एट दैट, द मंकी इज जंपिंग। कैसा धमाधम कूद रहा है ना? तुझे याद है हमने जू में बंदर देखे थे? यस, दैट मंकी वॉज जंपिंग ऑन अ ट्री। इस बंदर को कुछ खास बातें सिखाई गई हैं। आई लाइक मंकीज। सुनीता मौसी, डू यू लाइक मंकीज? यस I do. Monkeys look so sweet. Look at that. Now the monkey is riding a small cycle. So sweet. Now what will he do? Now he's jumping into the fire. Jumping into the fire? नहीं रे, तू बेकार में डरा रहा है। देखो देखो कैसे आग के ऊपर से छलांग मार रहा है। हाँ हाँ हाँ। चल रहे झारुक, सलाम कर, हाथ जोड़ के नमस्कार कर। अरे वाह, बंदर कितने अच्छे से नमस्कार कर रहा है। चलो चलो, चार आना आठ आना, इस बंदर को पैसे दो, दया करो, जल्दी करो, अपनी मर्जी से दो। चल झारुक खान, पैसा उठा। दीनू आशा, चलो चलो चलो, बस छूट रही है। हाँ, 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 चलो चलो चलो। आई वॉन्ट टू गो फर्स्ट। आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। What do you want to eat? I want to eat samosa. What do you want to drink? I want to drink tea. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। आज मैं तुम सबको पूछूंगी, तुम क्या खाना चाहते हो? What do you want to eat? प्रश्न एक बार फिर ठीक से सुन लो और फिर मेरे बाद सब एक साथ प्रश्न बोलो। What do you want to eat? ऐसा प्रश्न सुनते ही हर एक के मुंह में पानी भर आया ना? अपने मन में तुमने अच्छी अच्छी चीजें भी सोची होंगी, जैसे गुलाब जामुन, गोल गप्पे, जलेबी, लड्डू, चॉकलेट। फिर अगर मैं ये कहूं कि तुम्हें खाने में जो पसंद हो, ऐसी एक चीज का नाम बताओ, तो बताओगे ना मुझे? लेकिन अंग्रेजी में। ठीक है, कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट टू ईट गुलाब जामुन, या आई वॉन्ट टू ईट लड्डू। अच्छा, तो शुरू करें। घंटी की आवाज सुनते ही टीचर जी किसी एक को खड़ा करेंगे। प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। What do you want to eat? Hello.
अब दूसरा कोई बच्चा। अब दूसरा कोई खड़ा हो गया है क्या? कहो तो, व्हाट डू यू वॉन्ट टू ईट? आई वॉन्ट टू ईट पूरी और सब्जी। इसी तरह पूरे वाक्य में तुमने उत्तर दिया ना। अब पीने के लिए क्या अच्छा लगता है इसके बारे में बात करेंगे। प्रश्न है, व्हाट डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक? तुम्हें पीने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए उत्तर हो सकता है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफी, या आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीना चाहता या चाहती हूं, या आई वॉन्ट टू ड्रिंक शरबत। अब मैं प्रश्न पूछूंगी, तुम्हें उत्तर देना है। पीने की चीजों के लिए हिंदी शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन वाक्य अंग्रेजी में ही होना चाहिए। घंटी बजते ही किसी एक को खड़े हो जाना है। प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो। व्हाट डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक? आई वॉन्ट टू ड्रिंक वॉटर। इसी तरह पूरे वाक्य में उत्तर दिया ना। अब दूसरा बच्चा। व्हाट डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक? अब बाकी बच्चों से टीचर जी यही प्रश्न पूछेंगे, व्हाट डू यू वॉन्ट टू ईट? व्हाट डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक? और तुम उत्तर देना। लेकिन उत्तर में जो चीज कहोगे, जरूरी नहीं कि टीचर जी वो तुम्हें दे दें। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब